तो गाइस तो कैसे हैं आप सभी। तो गाइस आज हम निकल चुके हैं बलाण गांव जो कि चमोली में स्थित है। तो गाइस अभी रात ही हो रही है, टाइम कितना हो गया, टाइम 5 बजे गाइस, तो 5 बज चुके हैं, हम 5 बजे निकल चुके हैं क्योंकि पिछले बार हमें रात पड़ चुकी थी। तो इस बार देखते हैं गाइस हम कितने बजे तक पहुँचते हैं। अभी तो गाइस अंधेरा ही है, देख सकते हैं आप। तो गाइस अभी तो हमें करीबन 1 किलोमीटर पैदल चलना है, फिर वहाँ पे हमारी बाइक खड़ी हुई है। 2 किलोमीटर? अच्छा 2 किलोमीटर पैदल चलना है, फिर वहाँ पे हमारी बाइक खड़ी हुई है, फिर निकलेंगे गाइस बाइक से हम लोसरी गांव के लिए, फिर वहाँ से देवन। तो गाइस बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं थोड़ी देर में। अब आपको मैं गांव दिखा देता हूँ गाइस। गाइस ये देखिए गाँव कितना बड़ा है, घर यहाँ पे बहुत दूर दूर है। अभी तो गाइस कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, लाइटें दिखाई दे रही होगी घरों की। तो गाइस बहुत बड़ा गांव है। सो गाइस आप देख ही सकते हैं ये गांव कितना बड़ा गांव है गाइस। कल तो हम यहीं खो गए थे गाइस, अभी आधा गांव दिख नहीं रहा है पहाड़ की वजह से, इसलिए आप इतना ही दिख रहा अभी तो। हाँ भाई गाइस यहाँ पे लगभग 400-500 घर या 300-400 घर तो होंगे लगभग। गाइस कलम घूम चले, तो गाइस कलम घूमने गए थे ऊपर चोटी पर, तो वहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू दिखा। रात को नीचे नीचे आते हुए खो गए थे गाइस हम, फिर गूगल मैप में देखा गाइस, तब जाके हम स्कूल तक पहुँच पाए। तो गाइस ऐसे बड़े बड़े जगह पर छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती है, तो आप भी मजे लें, आप भी आएगा कभी इधर घूमने। सो गाइस ये है जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करते हैं। सो गाइस देखिए कितनी सुबह सुबह गाड़ी जा रही है, सामान सामान गाइस, वो खच्चर है सामने, टन टन की आवाज़ आ रही होगी। और ये हमारे नरेश भाई ने बाइक स्टार्ट कर दी है। सो गाइस निकल चुके हैं यहाँ से बलाण गांव से। तो गाइस टाइम हो रहा है अभी 5:50। आज तो गाइस हम सुबह सुबह ही निकल गए, लेट हो जाते हैं गाइस बहुत ज़्यादा। उधर से विकास नगर से हम 9 बजे आए थे, तो यहाँ जो आगे दूसरी गांव है वहाँ पे हमने स्टे किया था, वहाँ पे हम 9:30 बजे पहुँचे रात को। फिर यहाँ से सर लोगों ने कहा कि इसके आगे मत आना, इसके आगे खतरा है थोड़ा, भूत और जानवर कई प्रकार के, जो कि हमें सुबह भी मिले बहुत सारे जानवर हमें देखने को मिले। तो गाइस आज भी देख सकते हैं क्या बता, आज भी मिले हमें। हाँ आज तो हम रात को आ गए, थोड़ा खतरा है गाइस। तो गाइस वीडियो देखिए, मजे लीजिए और एंजॉय कीजिए। सो गाइस ये चाइना बॉर्डर के टचिंग में, जहाँ पे बर्फ बहुत ही खतरनाक पड़ा रहता है, दिन को थोड़ा चलता है, डेली बढ़ता है यहाँ तो बर्फ। आगे पहुंच चुके हैं और बारिश से हाथ ठंडे हो चुके, तो थोड़ी आग जला के हाथ गर्म कर लेते हैं।
जब भी कभी लंबी दूरी पे जाते हो तो अपने साथ खाने की चीज़ें ज़रूर रखें और आग जलाने की। और गाइस बाहर धूप आ चुकी है और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। यो यो गाइस आग जलने वाली है, बहुत ही खतरनाक आग लग रही है। गाइस अभी हम इसे हम बैग में डाल लेंगे, कभी हमें आगे जरूरत पड़ सकती है तो हम आग जला के सेक सकते हैं। आप सुन हो चुके हैं गाइस, अभी गाइस आग देखिए, मैंने कहा था कितनी तेज आग पकड़ती है इसमें। अगर गाइस हमारे पास लाइटर नहीं होता तो आज हम ठंड से मर रहे होते। लाइटर, माचिस, खाने की चीजें सब रखने चाहिए गाइस, रस्सी, कपड़ा। आई 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 आई। गाइस कल पहुंचेंगे हम लोग, हमें लग रहा है आज भी हम ऐसे एंजॉय करते करते जाएंगे तो बाय गाइस। आग को पीछे छोड़ते हुए हम चले आगे ठंडी ठंडी हवाओं में। बोल हीरा बोल, क्यों नहीं बोल रही है तू? गाइस हीरा को बोले जल्दी से मेरा रिप्लाई देते हैं, फायर हो जाएंगे गाइस। साढ़े सात बजे मजा आ गया गाइस इधर आके, बहुत अच्छे लोग गाइस इधर। शुरू शुरू में तो बेकार लग रहा था गाइस इस दिन, आज से जाने का मन नहीं। सो गाइस देवाल पहुंच चुके हैं, यहाँ से हमने वो खाने की चीजें ले ली, भूख लग रही है, थोड़ा मुंह भी अजीब सा हो रहा है। तो गाइस इसे खा के चलेंगे, आगे नाश्ता तो आगे करेंगे। बारिश भी हो रही है हल्की हल्की बूंद, और देहरादून में तो बहुत खतरनाक बारिश हो रही है हिमाचल में भी। तो गाइस चलते आ गए खा पी के। तो गाइस भारी बारिश के कारण हमें इधर होटल में रुकना पड़ा, बारिश बहुत हो रही है, थोड़ा बारिश से बचने के लिए लाया हमने। देखते हैं गाइस कब तक रुकती है बारिश। थोड़ी चाय भी पी रहे, बारिश देखिए गाइस कितनी तेज हो रही है। हम तो बहुत बुरी तरीके से हैं।
गया भाई, क्या हो गया? तो गाइस मौसम हो चुका है साफ, मौसम साफ हो गया रे। सिस्टम है मेरे भाई। चलो भाई सिस्टम भाई मिलते हैं आगे आपसे। सिस्टम ही सिस्टम है, हर जगह सिस्टम कर देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे सबको। बाय बाय गाइस, आ जाओ आ जा आगे ऊपर जा, वहीं जाने का ऊपर भेज दे। मैं कैसे भेज दूं? चीर अंदर ही फोन नहीं है। पोपट हो गया गाइस। तो दोस्तों रोड ब्लॉक होगी यहाँ पे। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग। तो गाइस यहाँ दो नदियाँ मिलती हैं, गंगा मिलती है यहाँ पे, हम दिखाएंगे आपको। चलिए वाह साफ सुथरी है वो भाई, देखो सब साफ है। भागी रहती है नंदा देवी पता नहीं। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं झूला पुल पे। सो गाइस ये देवप्रयाग जहाँ पे संगम घाट है गाइस, ये जहाँ दो नदियाँ मिलती है गाइस। इधर गाइस वहाँ पे नहा रहे हैं, नीचे स्नान कर रहे हैं। सो गाइस इससे नीचे जूते चप्पल जाना मना है। वाह गुफा है गाइस इधर, आजा जल्दी। क्या पानी ठंडा है उधर वाली गंगा, देखना पास कर। देख मछली है, कहाँ है? बड़ी बड़ी है, बड़ी है। देखिए जैसे ही यहाँ पे कोई दाना डाला जा रहा है तो मछलियाँ उसे खाने के लिए आ रही है। देखिए गाइस यहाँ पे गाइस जय श्री राम। वो पहले मछलियाँ इतनी बड़ी बड़ी गाइस, मछलियाँ कितनी होगी पानी में मछलियाँ गाइस। हाँ वो पहले मछली इधर वहाँ देखना, यहाँ देखिए बड़ी बड़ी गाइस, आप देखिए मछलियाँ गाइस। जैसे ये बच्चा क्या पता है वो खराब है, पानी के लिए पानी क्या देखते हैं यानी वो पहले आगे हो तो फिर देख
हमारी बिल्कुल फेमस है, बहुत सारी आगे मछली बटर क्या जो है मछली आगे ऊपर बहुत सारी मछली कोई वो अभी कितनी सारी है पूरा ताला बच गया कौन सी है ये भी पी लेते हैं तो गाइस आप देखो तो इधर ये कौन सी लगाई है ना वो भाई चलते बारिश हो रही है तगड़ी और हम और भाई ने गाड़ी पे लग के आराम से चलो आराम से मोड़ पे आराम से क्योंकि फिसल सकते हैं बारिश में गए तो हम ध्यान रखते हैं उसका भी सेफ्टी अपने हाथों में और मिलते हैं आपको विकास जहाँ जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे तभी को मेरा नमस्कार है आशीर्वाद तुम सदा सुखी रहो इंजॉय करो मजे करो और पियो और जब भी कभी घूम जाओ बहुत ही इंजॉयमेंट होता है यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं ये कुमाऊँ इलाका है यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ पे रोड कहीं कहीं से टूटी हुई जगह तो काम चलता है तो यहाँ रोड ही है बीच में गाड़ी भी ऐसे ही चलती है और चलते रहेंगे और सोया में और नींद नहीं आ रही थी और आज ये ड्राइविंग कर रहे हैं हमारे ड्राइविंग कर रहे हैं और मैं ठंडा हूँ कितने बजे से और ये देखो मंदिर छोटा सा तो गाइस देख सकते हो ऋषिकेश यहाँ पे ऋषिकेश कितनी सुंदर जगह है वाओ लाइटें चमक रही है गाइस अभी गाइस ऋषिकेश पहुंच गए रे जल जल जलता रहे गाइस तुम्हारा भाई जो बंदा ने फाड़ के रखी है सबकी और सारी गाड़ियां पीछे छोड़ दी आधे घंटे में 50 किलोमीटर दौड़ाई अपनी बाइक आधे किलोमीटर में और देहरादून में देखो अभी ऋषिकेश से देहरादून कितने मिनट में मैं गाड़ी पहुंचाता हूं तो गाइस बने रहे वीडियो में देखते रहिए जोगेंद्र भाई को और सभी नेशनल खिलाड़ी होते हैं हम इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं और हम आगे उड़ा उड़ा के चलते गाइस ऋषिकेश में इतना खतरनाक ट्रैफिक जाम हो चुका है 3-4 किलोमीटर का
जंगल में पहुंच गए। प्रेम नगर प्रेम नगर प्रेम नगर